हेलो दोस्तों, ब्रायन एसेट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट और डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है और मार्जिन के ट्रेड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और स्टॉक मार्केट के बारे में और भी जानना चाहते हो तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए है, तो देख लेना। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी मान लो दोस्तों, कोई भी आपने स्टॉक लिया है, शेयर लिया है, उसको आज ही लेना है और आज ही बेचना है, उसको इंट्राडे कहते हैं। हमारा इंडियन मार्केट निफ्टी, सेंसेक्स 9:30 से 3:30 बजे तक खुला रहता है। तो इंट्राडे में ऐसा होता है कि हमको 9:30 से 3:30 बजे तक अपने जो भी स्टॉक लिया है उसको एग्जिट करना रहता है, नहीं तो हमने जो डीमेट अकाउंट जिस प्लेटफॉर्म पर खुलवाया है वो ब्रोकरेज अपने आप ही उसको एग्जिट कर देता है 3:15 बजे तक। और वो आप अपने आप से नहीं करोगे और ब्रोकरेज एग्जिट करेगा तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज भी लगते हैं। तो डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट यानी आप किसी ब्रोकरेज के पास अपना जो अकाउंट खुलवाते हो शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर लेने के लिए, उसको डीमेट अकाउंट कहते हैं। तो डीमेट अकाउंट में आप बहुत सारे ब्रोकरेज हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग हुआ, जीरोधा हुआ, अपस्टॉक हुआ, ग्रो हुआ, तो किसी प्लेटफॉर्म में जाके भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। दोस्तों, मैं भी 3 ब्रोकरेज में अपना अकाउंट खुलवाया है। एक है एंजल ब्रोकिंग, दूसरा है ग्रो, तीसरा है अपस्टॉक। मैं उन तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। अगर आपको खुलवाने हैं डीमेट अकाउंट तो उस लिंक पे आप क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि आपने किसी कंपनी के स्टॉक ले लिए, तो स्टॉक आपने ले लिए है तो वो आप कभी भी बेच सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। वो आपके डीमेट अकाउंट में शो करेंगे और आप जब चाहो तब बेच सकते हो। और आप मान लो डीमेट अकाउंट में भी जब स्टॉक खरीदते हो तो 2 ऑप्शन रहते हैं, एक है इंट्राडे, दूसरा है डिलीवरी और तीसरा मार्जिन पे भी आप खरीद सकते हो। तो इंट्राडे का मतलब है आप जो भी स्टॉक लिए हो उसको आज का आज बेचना है, और अगर आप आज का आज उस स्टॉक को बेचते नहीं हैं तो आपके प्लेटफॉर्म पे वो 3:15 बजे एग्जिट हो जाता है। और डिलीवरी ऑप्शन आप रखते हो तो डिलीवरी में आप स्टॉक अपने पास रख सकते हो, आप जब चाहो स्टॉक बेच सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। और मार्जिन ट्रेड यानी मान लो कि आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में पैसे कम है, तो आप अपने ब्रोकरेज के पास से मार्जिन से भी अपने स्टॉक ज़्यादा खरीद सकते हो, जितनी क्वांटिटी उसमें रहती है आपका, जितना भी मान लो अकाउंट है उसमें आपका जितना मार्जिन रहता है उसके अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो शेयर, उसको मार्जिन बोलते हैं। अपन मार्जिन पे अगर आप किसी शेयर को खरीदते हो तो मार्जिन जितना लेते हो मार्जिन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए मार्जिन यूज़ ना करो तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो दोस्तों, हो सके तो जब भी कोई स्टॉक खरीदे हो तो डिलीवरी ऑप्शन रखो, क्योंकि डिलीवरी ऑप्शन में आप कभी भी वो स्टॉक को लेके बाद में बेच सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। फुल से भी इंट्राडे ना करें, इंट्राडे अगर आपको आज का आज बेचना है तो ही इंट्राडे पे ऑप्शन पे क्लिक करके रखो, नहीं तो डिलीवरी पे क्लिक करो, जिससे डीमेट अकाउंट में आपके शेयर आ जाते हैं और वो स्टॉक आप कभी भी बेच सकते हो। तो डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और अपनी बैंक डिटेल, ये सब लेके किसी भी मैं जो बोला वो ब्रोकरेज का ऐप लेके वो ऐप को इंस्टॉल करके उसमें जो भी आपको अकाउंट खुलवाने के लिए डिटेल मांगता है उसमें डिटेल क्लिक करते जाओ। बाद में जो भी डिटेल मांगता है क्लिक करने के बाद आपको साइन वगैरह मांगेगा, डिजिटल साइन वगैरह कर दो और आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर उसमें आपको कुछ पता नहीं चलता और आपने अधूरी भी डिटेल डाल दिए है और छोड़ दिया है तो सामने से ब्रोकरेज का आपको फ़ोन आएगा और आपको वो फोन पे सब करवाएंगे और आपका डीमेट अकाउंट खुलवा देंगे। तो दोस्तों, डीमेट अकाउंट खुलवाओ, निवेश करो और आगे बढ़ो, क्योंकि